देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी दल अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री एवं जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुज्जर भी लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर लोगों के बीच में जा रहे हैं और सरकार की 10 सालों की कारगुजारी को जनता के सामने रख रहे हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने जगाधरी विधानसभा के दर्जनों गांवों और शहर में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने भाजपा का दामन थामा। वहीं गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि जो विकास का काम हुआ ये सब उसी का परिणाम है। लोग उससे प्रभावित हैं और लोग इस बात से खुश भी हैं। जहाँ डेवलपमेंट के काम पहले सरकारों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, वही गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए जो और अच्छी योजनाएं जो उनको लाभ पहुँचा सकती हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत है, वो सारी योजनाएँ देने का काम सरकार ने किया और जनता उसके लिए बहुत खुशी है उसको लेके। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं रोजाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार जो है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की है और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जितनी तेज गति से हमने विकास किया, आने वाले समय में इससे भी तेज गति से विकास का काम करें। बहुत ही अच्छा समर्थन हमें मिल रहा और आज मेरा लोपो में प्रोग्राम था और लोपो से भी लगभग 1.5 किलोमीटर पहले से लोग जुलूस के रूप में लेके गए। मैं समझता हूँ कि जनता में बहुत उत्साह है और बहुत स्नेह है सरकार के प्रति। सरकार ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, बिना किसी भेदभाव के नौकरी दी, बिना किसी भेदभाव के विकास किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।